अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी हेज हॉग सिग्नलिंग पाथवे। कि हेज हॉग सिग्नलिंग पाथवे जो है वो किस तरह से प्रोसीड करें। इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी हेज हॉग प्रोटीन्स के हवाले से, कि ये प्रोटीन्स क्या हैं, किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं, देन कौन कौन से सब यूनिट्स इनके पाथवे में इन्वॉल्व हैं, इसका पाथवे को डिस्कस करेंगे, और फिर देन जो है हम लोग इसके रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये रेगुलेट किया जा रहा है, इनिशिएट किस तरह किया जा रहा है, फीडबैक कैसे इसकी जो है वो ब्लॉकेज किस तरह से हो रही है, डाउन रेगुलेशन, और फिर इसके बाद इससे एसोसिएटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग जो है वो हाईलाइट करेंगे जी। तो हेज हॉग प्रोटीन्स एक्चुअली जो है ना फंक्शन के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो वेंट प्रोटीन से मिलती जुलती हैं। वेंट प्रोटीन्स भी लोकल मेडिएटर के तौर पे काम कर रहे थे, और ये भी जो है ना वो लोकल मेडिएटर के तौर पे ही वर्क कर रही हैं। इर्द गिर्द के नेबरिंग सेल्स को जो है वो एक्सेलरेट करते हैं, डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज उनके अंदर इनिशिएट करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की शेप्स को चेंज करना लाइक मॉर्फोजेंस के तौर पर, और इसी तरह से ये लेटेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर के तौर पर भी एक्ट करती हैं। किस तरह से एक्ट करती हैं जी, कि ये इनहिबिट करती हैं इनकी डिग्रेडेशन से उन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की, और देन अल्टीमेटली जो है वो एज ए जो है ना जीन की एक्सप्रेशन को जो है वो इन्हांस करते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर इसकी भी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी जस्ट लाइक वेंट प्रोटीन्स, और ये इसके अंदर म्यूटेशन अगर ड्रोसोफिला के अंदर की जाए इसी जीन्स के अंदर, तो जो लार्वा प्रोड्यूस होता है वो स्पाइकी नेचर का होता है, और उसी की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने जो है ना इसका नाम हेज हॉक रखा है। जो पीछे हम लोगों ने एनिमल देखा उसका नाम हेज हॉक है, स्पाइकी एनिमल्स, तो इस वजह से जो है इस प्रोटीन का नाम हेज हॉक जो है वो पड़ा। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से वेंट प्रोटीन जो है वो किसी लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है, बिल्कुल ये भी जो है ना वो लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है। इसके अलावा तीन जीन्स हैं जो कि इस प्रोटीन को कोड करती हैं, सोनिक, डेजर्ट एंड इंडियन हेजहॉग। ये तीन जीन्स जो हैं वो इस प्रोटीन की जो है ना वो ट्रांसलेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा जी, क्यूबिटस इंटरप्ट्स, ये जो है बिल्कुल जो है ना वो एक्ट करता है जस्ट लाइक बीटा कैटेनिन, जो हम लोगों ने वेंट प्रोटीन में पढ़ा था। बीटा कैटेनिन एक प्रोटीन थी जो कि डिग्रेड करवा दी जाती थी जब हमें जीन का एक्सप्रेशन नहीं था रिक्वायर्ड होता, और जब हमें जीन का एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होता था तो बीटा कैटेनिन प्रोटीन को जो है वो उसकी डिग्रेडेशन को रोक दिया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही ये सी आई जो है इसकी भी डिग्रेडेशन के थ्रू ही इस सिग्नलिंग को जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना वो तीन प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, तीन डिपेंड प्रोटीन जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर इसकी सिग्नलिंग जो है ना वो इन्वॉल्व है। पैच्ड जो कि एक्चुअली 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स रखता है, इसके साथ सिमिलर है ये जी प्रोटीन्स कपल रिसेप्टर के तौर के तरीके से, लेकिन ऑब्वियसली ये ना तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की तरह जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, और ना ही ये जो है ना वो किसी तरह के रिसेप्टर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। आई है हॉक जो है ये एक्चुअली एक को रिसेप्टर के तौर पे इन्वॉल्व होता है, इसके साथ जो है ना वो स्मूथर्ड है। अब स्मूथर्ड जो है वो 7 मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये मोस्टली सेल के अंदर वेजिकल्स की फॉर्म में जो है ना वो प्रेजेंट होता है, स्क्वेस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो पैच्ड है ये भी वेजिकल्स की फॉर्म में भी मौजूद होता है, लेकिन ये सेल की सरफेस के ऊपर भी जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, जहाँ पर ये हॉग प्रोटीन के साथ जो है ना वो बाइंड कर सकता है। ये जो है ना स्मूथर्ड ये हॉग रिसेप्टर के तौर पर काम नहीं करता, बल्कि एक्चुअली हालांकि है ये सेल सरफेस बाउंडेड प्रोटीन, लग ऐसे ही रहा है जिस तरह ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की तरह से इसकी भी अपीयरेंस आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है वो हेड हॉग का जो रिसेप्टर है उसके साथ का फंक्शन के तौर पर एक्ट नहीं करता, और बल्कि ये जो है ना कंट्रोल किया जाता है इसके एक्सप्रेशन को और इसके जो है ना एक्टिवेशन को बाय दीज टू प्रोटीन्स, पैच्ड एंड आई हॉक। सो बात स्टार्ट करते हैं जी कि हमारे पास जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये पैच प्रोटीन जो है वो ब्लॉक करके रखती है इस स्मूथर्ड को, और इस वेजिकल को जो है ना वो ऊपर सेल सरफेस के ऊपर नहीं आने देती। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जो है ना एक जो सी आई प्रोटीन्स हैं जिसको हम लोगों ने कहा कि ये बीटा कैटेनिन से जो है ना वो मिलती जुलती प्रोटीन्स हैं जो कि एक्चुअली इसके अंदर बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर रही हैं। ये सी आई प्रोटीन जो है वो एक डॉकिंग प्रोटीन कॉस्टल टू के साथ जो है ना वो फ्यूज फॉर्म में हो जाती हैं, उसके साथ कंबाइन कर देती हैं, और ये कॉस्टल टू जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इसको लिंक करके रखता है, इसको जोड़े रखता है, ठीक है।
एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये लार्ज जो सीआई प्रोटीन है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाती है, साइटोप्लाज्म में इस माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जो है ना वो जुड़ी रह जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होते। अब जो तीन प्रोटीन्स हैं जो इसमें से दो जो है हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, GSK3 और CK1 जो कि वेंट सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, यही सेम फास्फोटेजेस सॉरी काइनेजेस, यही तीन काइनेज दो काइनेजेस और अलॉन्ग विद फास्फोकाइनेज ए, ये तीनों काइनेजेस मिलकर जो है ना इस सीआई प्रोटीन की जो है वो फास्फोरिलेशन कर देते हैं। अब फास्फोरिलेशन होते साथ ही जो है ना इसकी यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगी, और यूबिक्यूटिनेशन होते साथ ही क्या होगा जी कि इसकी प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी तो इसके छोटे छोटे पीसीज में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, इस लंबी सी सीआई प्रोटीन को। अब वो छोटे पीसीज जो है ना वो जब एंटर होंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो ये छोटे पीसीज जो है एक्चुअली एक्ट करते हैं एज ए रिप्रेसर के तौर पर, ठीक है। अब ये जो कोर रिप्रेसर है ये दूसरे रिसेप्टर्स के दूसरे रिप्रेसर के साथ मिलकर जो है ना ये इसको ब्लॉक कर रहा होता है, और डिफरेंट जो जीन्स हैं हेजहॉग रिलेटेड जीन्स जो हैं वो उनकी स्विचिंग ऑफ रहती है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ बीटा कैटेनिन जो कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना डिग्रेड होकर न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं था होता, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये डिग्रेडेशन के बाद जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इसके पीसी स्मॉल पीसीज जो है वो एंटर होते हैं और वो एक्ट करते हैं एज ए रिप्रेसर के तौर पर, ठीक है। जब सिग्नल आ जाएगा, जब सिग्नल आ जाएगा हेजहॉग, तो वो इस हेजहॉग जो है ना इसको पैच्ड को इस कोर रिप्रेसर के साथ कंबाइन करवा कर इसको जो है वो सिक्वेस्टराइज करवा देगा, इंटरनलाइज करवा देगा पैच प्रोटीन्स को, ठीक है, और इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। अब पैच की डिग्रेडेशन होगी तो मतलब इस स्मूथेंट को इस सेल सरफेस के ऊपर आने से अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, और पहले स्मूथन अंदर जो है वो ब्लॉक था, इनहिबिटेड था बाय दिस पैच प्रोटीन, ठीक है ना, और अब जो है ना वो जब इसकी डिग्रेडेशन होगी पैच प्रोटीन की, ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, वेजिकल बनेगा, देन लाइसोसोम उसकी डिग्रेडेशन कर देंगे, तो अब इस स्मूथन प्रोटीन को जो है ना वो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता, और अल्टीमेटली जो है ना ये ऊपर की तरफ सेल वेजिकल से ये आ जाएगी ऊपर मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आने के बाद जो है ना ये जो एक्टिवेट हो जाएगी, फॉस्फोरिलेट हो जाएगी। अब फॉस्फोरिलेट होने के बाद ये कॉस्टल प्रोटीन जो कि पहले माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच थे, ये इसको अपने साथ जो है ना वो बाउंड करवा लेती है। इसको अपने साथ बाउंड करवाने के बाद जो है ना इस जो सी आई प्रोटीन थी उसको रिलीज कर दिया जाता है, और सी आई प्रोटीन अब जो है ना इन लार्जर फॉर्म, ठीक है, अपनी फुल जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होती है इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जाने के बाद जो है वो अब एक्टिवेटेड्स के साथ मिलेगी, एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन जहाँ पे वो एक्ट कर रही थी एज ए रिप्रेसर, अब वो वहाँ पर जाकर एक्ट करेगी एज ए एक्टिवेटर, ठीक है, और वो जीन्स की जो है ना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगी। सो एक एक्टिव एक रिप्रेसर से अब वो जो है ना एक एक्टिवेटर के तौर के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो गई है। सो ये हमारे पास जो है ना वो इसका बेसिक पाथवे था हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे का। अब सीआई जिन प्रोटीन्स को एक्टिवेट जिन जीन्स को वो ट्रांसक्राइब करवाती है, जिनके ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो इनिशिएट करती है, उसमें पैच इटसेल्फ भी है। अब पैच प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी सेल के अंदर, तो ऑब्वियसली वो जो है इस स्मूथन प्रोटीन को जो है वो ब्लॉक करती रहेगी, और अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा पाथवे जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। तो एक्चुअली इसी पैच प्रोटीन की वजह से, एक्सप्रेशन की वजह से, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हेजहॉग सिग्नलिंग जो है वो ब्लॉक की जाती है। इसके अलावा जो है ना इस हेजहॉग सिग्नलिंग के अंदर बहुत सारा गैप्स है। गैप्स इस वाले से हैं कि इसकी डिस्कवरी जो है ना वो बड़ी रिसेंट हुई है, और इसके अंदर अभी मजीद जो है वो इसके पूरे पाथवे को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जो है वो नहीं किया जा सका। इसमें मल्टीपल जो है वो गैप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो पैच प्रोटीन है ये किस तरीके से इस स्मूथन को जो है वो रोक के रखती है, इनहिबिट रखती है, इसके बारे में भी नहीं पता कि कैसे ये उसको ब्लॉक कर रखती है, उसको सरफेस के ऊपर क्यों नहीं आने देती, किस तरह से रोके रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स पाथवे हमें देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। इन वर्टिब्रेट्स में बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें जो है ना वो मजीद तीन प्रोटीन्स GLI1, GLI2 एंड GLI3 जो कि सीआई लाइक प्रोटीन्स हैं, इनके पाथवे ये भी इन्वॉल्व होती हैं इसी हेजहॉग पाथवे के अंदर। किस तरह से ये इन्वॉल्व होती हैं इसकी भी अभी डिटेल डिस्कवरी और डिटेल नॉलेज जो है वो डिस्कवर करना बाकी है। अच्छा, सेल को ये मोस्टली जो है वो चूंकि प्रमोट करती हैं प्रोलिफरेशन के ऊपर, तो अगर इनका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली इन इस पाथवे की जो है वो एक्टिवेशन ज़्यादा देर तक रह जाएगी, तो सेल जो है वो
मल्टीपल सेल डिवीजन की तरफ चले जाएगा, अल्टीमेटली कैंसर की तरफ जो है वो जा सकता है। बेसल सेल कार्सिनोमा जो कि कोकेशंस के अंदर जो है ना, कोकेशंस ऑर्गन जो इंसान है उनके अंदर हमें जो है ना वो देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। एक्चुअली इसके अंदर केस में क्या होता है कि पैच जीन जो है उसके अंदर म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाती है। अब पैच जीन जो है वो इनएक्टिवेट होगी तो ऑब्वियसली सेल की प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको इनहिबिट करने वाला जो है वो कोई भी नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली जो है वो हमें इस तरह का कार्सिनोमा जो है वो देखने को मिलता है। एक ड्रग है साइक्लोपामाइन जो कि हमें जो है ना मीडो लिली से जो है वो एक्सट्रैक्ट से मिलता है। ये एक्चुअली इस कार्सिनोमा के अंदर जो है ना वो फ्रूटफुल साबित हो रही है। अब ये करती क्या है कि ये इसी पैच ये जो हमारे पास स्मूथन प्रोटीन है इसको टाइटली बाउंड करवा देती है इसके साथ रेजिड्यूज के साथ, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जो है ना वो रोकते रहता है उसका, स्मूथन प्रोटीन जो है वो नीचे रह जाता है और सरफेस के ऊपर नहीं आता और उसको आगे जो है वो सीआई प्रोटीन को जो है वो रिलीज नहीं कर पाता। देन एक हमारे पास है जी साइक्लोपिया जो कि एक्चुअली डिफेक्ट है, अगर हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे नहीं प्रोड्यूस हो रहा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान तो अल्टीमेटली जो है हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें जो है वो वन आई सिंगल आई कंडीशन है साइक्लोपिया जो कि डिफरेंट माइसिस में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और कुछ ह्यूमन केसेस में जो है वो रेयर जेनेटिक डिफेक्ट के तौर पे भी जो है सामने आई है। ये था हमारे पास हेजहॉग सिग्नलिंग प्रोटीन का पाथवे और इसके बारे में डिस्कशन। होप सो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।